हाय गाइस, दिस इज जियान एंड यू आर वाचिंग वर्क एट आवर जॉब हेल्पफुल। फ्रेंड्स, एक और अपॉर्चुनिटी, एक और अच्छी जॉब के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। फ्रेंड्स, जॉब है स्टोर स्टाफ की, स्टोर स्टाफ हाइपरमार्केट स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। आज मैं इस जॉब में आपको दो से तीन एक साथ वैकेंसी देने वाला हूँ। दो से तीन पोस्ट। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आने पर लाइक कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको कुछ हेल्प मिल सके। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद ही कॉल करें। विदाउट वीडियो देखें, विदाउट इन्फॉर्मेशन का आप कॉल ना करें। और कॉल कर करके कोई सभी जॉब है तो दे दो, कोई सभी जॉब दे दो, तो उसके अकॉर्डिंग आप बात ना करें। एक बार का ध्यान रखिए कि आपको किस चीज़ का एक्सपीरियंस है और आप किस चीज़ में माहिर हैं, उसी काम में, उसी चीज़ में आप अपना लक आजमाएं या फिर उसी चीज़ में ट्राई करें ताकि आपको सैलरी भी अच्छा मिले और आपको काम भी जल्दी समझ में आए। तो फ्रेंड्स, काम है ये स्टोर में स्टाफ की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। हाइपर मार्केट में स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। स्टाफ में मेल फीमेल, मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों का ही रिक्वायरमेंट है अभी हम लोगों के पास। मेल रहने दो, फीमेल कैंडिडेट रहने दो। लैंग्वेज इसमें कोई भी कंपल्सरी लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयाली, इंग्लिश सभी लैंग्वेज में रिक्वायर्ड है, सभी लैंग्वेज इसमें चलती है। मेल फीमेल कैंडिडेट्स, लैंग्वेज एनीवन। एज लिमिट तो आपको पता ही है कि जो है इसमें एज लिमिट 18 से ऊपर होती है। लास्ट एज लिमिट इसमें जो है 30 ईयर्स, लास्ट 30 साल तक जो है स्टोर्स वाले इसमें लेते हैं। गाइस, टाइमिंग इसमें रहता है, स्टोर का टाइमिंग जो रहता है, सुपरमार्केट का जो टाइमिंग रहता है वही टाइमिंग नॉर्मली रहता है। सुबह वैसे 8 बजे ओपन हो जाता, 7 बजे 8 बजे स्टोर ओपन हो जाता, लेकिन आपका टाइमिंग रहता है 9 बजे से, 9:30 बजे से शुरू होता है, शाम के 6 बजे 6:30 बजे लास्ट 7 बजे तक आपको स्टोर पे रुकना रहता है। कहने का मतलब है कि 9 से 10 घंटा इसमें ड्यूटी रहता है, 12 घंटा पूरा नहीं रहता है और 8 घंटा भी नहीं रहता है, 10 घंटा नहीं तो 9 घंटा ड्यूटी रहता है, या तो 1 घंटा ऊपर या 1 घंटा नीचे। कहने का मतलब ये है कि अगर शाम के टाइम कस्टमर का मूवमेंट्स अच्छा होता है, शाम के टाइम अगर रश हो जाता है, शाम के टाइम अगर कस्टमर थोड़ा ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाता है तो वो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, 1 घंटा थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ता है वहाँ पे आपको। हालांकि इसमें ओटी नहीं मिलता है, ओटी का सिस्टम नहीं रहता इसमें, लेकिन इसमें आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, सैलरी अच्छी आती है और आपकी पोस्ट बढ़ती है इसमें। तो फ्रेंड्स, लोकेशन है इसका BTM लेआउट और जेपी नगर। जेपी नगर और BTM लेआउट में दो जगह स्टोर की स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। मेल फीमेल दोनों है, एज लिमिट मैंने बता दिया। अब रही सैलरी की बात, तो सैलरी दोस्तों इसमें ऐसा रहता है कि आपके एक्सपीरियंस के ऊपर काम करता है सैलरी में। कई बार आपको बता देता हूँ और कई बार अपने वीडियो में इस चीज़ का जिक्र करता हूँ कि आप कहीं पर भी जाएंगे ना तो प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी सैलरी फिक्स नहीं करती है। रीज़न ये रहता है कि बंदे में दम कितना है, बंदे को किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, बंदे ने पहले कहाँ काम किया, उसके अकॉर्डिंग जो है कंपनी उसको सैलरी देती है। कभी कभी क्या रहता है कि मान लो कोई बेचारा अच्छा पढ़ा लिखा, मजबूरी में कोई जो है जॉब मिल जाती है, उसको 12-13 हज़ार ही मिलता, लेकिन वो अच्छा पढ़ा लिखा, जबकि उसका काबिलियत, उसकी एबिलिटी जो है 15-16 हज़ार की रहती है। तो वही चीज़ें रहती है, कभी कभी जो कहते नहीं, कहावत नहीं कि जो है कोयले में हीरा छुपा रहता करके, तो वही बात होती है। तो और कभी कभी क्या रहता है कि जो कम पढ़े लिखे रहते हैं उनको भी ज़्यादा सैलरी देते हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं होती, फिर बाद में गड़बड़ हो जाती है, कभी बोलते कुछ है, करते कुछ, करते कुछ और है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए कंपनी जो है इंटरव्यू लेती है, आपको इंटरव्यू लेती है, ट्रेनिंग देती है। पहले आपका इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू में आपको क्या आता है, पहले आपने कहाँ काम किया, प्रीवियस सैलरी कितनी थी, बोले तो पिछली सैलरी कितनी थी आपकी, किस चीज़ में आपको एक्सपीरियंस है, किस चीज़ में, किस फील्ड में आपने कितना साल दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको काम दिया जाता है ताकि आप उस काम को जल्दी सीख सकें और आपकी सैलरी जल्दी इंक्रीज हो सके और अगले वाले को भी परेशानी ना हो।
तो गाइस सैलरी रहती है इसमें आपके अकॉर्डिंग, इंटरव्यू में डिपेंड करती है। उसके बाद आपको 1-2 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है इसमें कि स्टोर का जो है रूल्स एंड रेगुलेशन क्या रहता है, कौन से कस्टमर से किस तरह से बात करनी रहती है, कैसे जो है उससे के साथ बिहेव करना रहता है, कौन सा आइटम कहाँ रखा रहता है, उसको कहाँ लगाना रहता है, रैक में कैसे जोड़ना रहता है, कैसे सफाई रहती है, वो सब की जो है थोड़ी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ज्वाइनिंग उसी दिन हो जाती है जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है, आपको वो सैलरी सूट होता है या फिर अगले वाले बंदे को आपका जो है रेज्यूम सूट होता है, दोनों का अगर पसंद आ जाता है तो आपकी जो है नौकरी पक्की समझ लीजिए। तो जिस दिन आपकी जो है आपका इंटरव्यू होता है उसी दिन डिसाइड कर लेता है, उसी दिन आपको जो है सामने सामने बैठ के बता दिया जाता है कि ठीक है भैया आप इस काम के लिए काबिल हैं, आप कल काम लिए के लिए आ सकते हैं। ये तो हुआ गाइस स्टोर में स्टाफ का काम। स्टाफ का काम इसमें आप अनग्रेजुएट भी समझ लीजिए, मतलब जिसको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता हो या फिर जिसमें आइटम का नॉलेज हो, वैसे आजकल सबको आइटम का नॉलेज होता ही होता है, मार्केट में सब चीज़ें ऑनलाइन रहती है कि जो है नेस्ले कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट आता है और हिंदुस्तान यूनिलीवर का कौन सा प्रोडक्ट आता है, डाबर का कौन सा प्रोडक्ट आता है, वो सब थोड़ा जनरल नॉलेज जिसको बोलते हैं उस वो जो है स्टोर स्टाफ में अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट जो है गाइस अकाउंटेंट का जॉब, अकाउंटेंट अकाउंटेंट बोले तो जो स्टोर के स्टाफ का प्लस आने वाले मटेरियल का प्लस रेंट का सिक्योरिटी गार्ड्स का उन सब का अकाउंट मैनेज करता है, खर्चा कितना गया, इनकम कितनी हुई, कहाँ कहाँ पैसा देना रहता है, वो सारा का सारा जो है आपका मैनेजर बता देता है या फिर आपका ओनर बता देता है कि कहाँ किस कहाँ किसको देना है, वो सब का जो मेंटेन करना रहता है अकाउंट, उसकी जरूरत है अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट की जरूरत है, 2 पोस्ट वैकेंट है अकाउंटेंट में। इसमें जो है कभी भी जो है कम लेवल वाले बंदे अप्लाई ना करें। अकाउंटेंट का आपको मतलब ही है कि जो है क्या एक्सपीरियंस होता है, टेली वगैरह एक्सेल वगैरह थोड़ा आना चाहिए। इसमें भी जो है सैलरी इंटरव्यू में फिक्स होती है, आप एक बार इंटरव्यू में आएंगे, इंटरव्यू अटेंड करेंगे तो उसमें आपकी आमने सामने फेस टू फेस इंटरव्यू में आपकी सैलरी डिसाइड होती है। नेक्स्ट पोस्ट है सेम स्टोर्स में आपकी इन्वेंट्री मैनेजर और मैनेजर की। मैनेजर बोले तो अकाउंटेंट, इन्वेंट्री मैनेजर प्लस स्टाफ, इन तीनों का ध्यान रखे, मैनेज करे दुकान में कौन सा आइटम खाली है, कौन सा मंगवाना है, कौन सा कितने हिसाब से ऑर्डर देना है और प्रेजेंट टाइम हम लोगों के पास कौन सा प्रोडक्ट अच्छा निकलता है उसके अकॉर्डिंग उस सेल्समैन को उस कंपनी को ऑर्डर देना, खाली आइटम होने से पहले 1-2 दिन पहले उन सब स्टॉक्स को मैनेज करना, कस्टमर को मैनेज करना, स्टाफ को मैनेज करना, वो सब काम रहता है मैनेजर का। तो मैनेजर की भी पोस्ट इसमें खाली है, वैकेंट है, रिक्वायरमेंट है। इसमें भी जो है सैलरी रहती है डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस। आप इंटरव्यू आमने सामने अटेंड करेंगे, फेस टू फेस इंटरव्यू अटेंड करेंगे तो उसमें आपकी सैलरी डिसाइड होती है। थर्ड जो पोस्ट रहती है इसमें जो रहती है वो रहती है सॉरी फोर्थ पोस्ट, थर्ड तो ऑलरेडी हो गई, फोर्थ पोस्ट जो रहती है वो रहती है इन्वेंट्री मैनेजर। इन्वेंट्री मैनेजर एंड इन्वेंट्री मैनेजर का कहने का मतलब है कि इन्वेंट्री बोले तो सामान का लेखा जोखा, सामान का सिर्फ सामान का प्रोडक्ट आइटम का दुकान में या फिर स्टॉल में या फिर सुपरमार्केट में आपके मार्ट में कौन सा आइटम मंगवाना है, कौन सा खाली हो रखा है, स्टॉक में कितना आइटम पड़ा है अभी अपने पास, एक्सपायरी कौन सा है, नियर एक्सपायरी कौन सा है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा निकलता है, उन सब की इन्वेंट्री रखना अपने सिस्टम में, उसका सारा नॉलेज रखना, उनको सारा जो है हिसाब किताब रखना, वो सारा का सारा मैनेजर को बताना कि सर अपने पास ये प्रोडक्ट ज़्यादा निकलने वाला है, ये थोड़े दिनों में खाली होने वाला है, इसका जो है कंपनी वाला नहीं आ रहा है, इसको ऑर्डर देना है, तो वो रहता है इन्वेंट्री मैनेजर का काम। तो फ्रेंड्स इसमें 4 पोस्ट खाली है, पहला हुआ आपका स्टोर स्टाफ का, सेकंड हुआ मैनेजर का, थर्ड हुआ आपका जो है इन्वेंट्री मैनेजर का और चौथा हुआ अकाउंटेंट का। तो गाइस जो जो बंदा जो जो कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे अपना रेज्यूम शेयर कर, पहले अपना रेज्यूम शेयर करें, विदाउट रेज्यूम जो है नॉट एक्सेप्टेबल। इसमें पहले रिज्यूम के बिना इसमें नहीं लिया जाता है कैंडिडेट्स को, पहले अपना रिज्यूम शेयर करें,
कंपनी आपका रिज्यूम चेक करेगी, आपका एक्सपीरियंस किस चीज में है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है कॉल लेटर जाएगा, या फिर आपका पास कॉल जाएगा, आपको बुला लिया जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट कॉल कर से पूछ सकते हैं कि सर हम लोगों को इस चीज में एक्सपीरियंस है, या मुझे इस चीज में एक्सपीरियंस है, मैंने ये काम इतने साल किया है या इतने महीने किया है, मैं अपना रेज्यूम शेयर करता हूँ, सर एक बार प्लीज चेक कर लीजिए, मैं इस पोस्ट के लिए जो है काबिल हूँ। तो गाइस वो बंदा मुझे रेज्यूम शेयर कर सकता है या फिर डायरेक्ट कॉल करके मुझे मुझसे बात कर सकता है। टाइमिंग रहता है इसमें इंटरव्यू का, मॉर्निंग 9 to 2 o'clock, मॉर्निंग 9 से 2 बजे तक इसमें टाइमिंग रहता है। संडे सैटरडे नॉट अलाउड, संडे सैटरडे के लिए इसमें अप्लाई नहीं करें, संडे सैटरडे जो है इसमें ऑलरेडी कंपनी वाला बंदा जो है बिजी रहता है, दुकान का मालिक या हाइपर मार्केट का मालिक वो बिजी रहता है सैटरडे संडे के दिन। काम में भी आपको सैटरडे संडे जो है छुट्टी नहीं मिलती इसमें, इस पोस्ट में, इस वैकेंट में या इस जॉब में आपको सैटरडे संडे छुट्टी नहीं रहती है, सोमवार से लगाकर आप शुक्रवार के बीच कभी भी एक दिन इसमें हॉलीडे ले सकता है, डिपेंड ऑन यू या फिर मैनेजर जैसा आपको कहे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो अपने हिसाब से जो है एडजस्टमेंट करते हैं। मान लो आज किसी राम को छुट्टी दे दिया तो कल जो मोहन को दे दिया, परसों सीता को दे दिया, तो ऐसे एक दो दिन जो है अपना स्टाफ मैनेज करता है मैनेजर, तो उसको पूछ के या फिर उसके अकॉर्डिंग जो है छुट्टी इसमें मिलती है, 1 week off मिलती है आपको। सैलरी गाइस मैं एक बार बता दूं कि सैलरी किसी की भी फिक्स नहीं है इसमें, फिक्स कहने का मतलब मैं इस वीडियो में आपको सैलरी क्लियर नहीं कर सकता हूँ। रीजन कि सैलरी आपके एक्सपीरियंस के ऊपर आएगी, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आप किस चीज़ में नॉलेज रखते हैं, आप एक बार इंटरव्यू अटेंड करेंगे तो उसमें आपकी सैलरी डिसाइड होगी। तो गाइस एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक और अच्छी जॉब आपके लिए, इसमें कोई भी लैंग्वेज चलती है, हिंदी वाले बंदे भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ओनली ऑन बेंगलोर वाले बंदे जो बेंगलोर में ऑलरेडी रह रहे हैं, बेंगलोर वाले का मतलब है कि जो ऑलरेडी बेंगलोर में स्टे कर रहे हैं वो बंदे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक और अच्छी जॉब, एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, जो जो बंदा इंटरेस्टेड है वो मुझे कॉल कर सकता है, वो मुझे अपना रिज्यूम शेयर कर सकता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी जॉब के साथ। फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।